अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा आरिफ है। मैं यहाँ पर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से ही ग्रेजुएट हूँ और यहीं पे आगे अपनी जो है वो एमसीपी की ट्रेनिंग कर रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट में। हमारे पास यहाँ पर मोहम्मद मेडिकल हॉस्पिटल में हर जुमेरात पे जो है वो मीटिंग होती है फैकल्टी की, सारे कंसल्टेंट्स की, सब की, हर डिपार्टमेंट से, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो हैं वहाँ पे सब कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, जो कि हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग जो है वो अपने केस प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वार्ड्स के, डिफरेंट जगह के जो है वो हम केस प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हम लोग फिर उसमें हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं अबाउट केस, और जिसके अंदर हमारी भी नॉलेज होती है और हमें अपनी नॉलेज के अंदर और ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है वो करने के लिए चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज मेरा केस था कंजॉइंट ट्विंस के ऊपर, जो कि ये बहुत रेयर होता है, जो कि 50,000 to 60,000 चाइल्ड बर्थ में जो है वो सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि जो कि कंजॉइंट ट्विंस होता है। एक पेशेंट थी हमारे पास आई थी जो कि टोटली अनबुक पेशेंट थी, जिसके कोई एंटीनेटल विजिट नहीं थे, कोई उसकी जो है वो लैब्स वगैरह इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, सिर्फ उसका 22 वीक्स के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसपे उसके डायग्नोस हुआ था कि उसका जो है वो ट्विंस प्रेगनेंसी है। उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आई, पेशेंट जो थी वो लेबर में थी, और लेबर के बाद जब वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जो है वो मल्टीपल उसको ट्रायल्स दिए गए, ट्रायल देने के बाद वो यहाँ पर जब आई है तो उसका बेबी का एक हेड जो था वो बिल्कुल स्टक था और बॉडी बेबी की सारी अंदर यूट्रस में ही थी। जब हमारे पास मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में आई है गायनी वार्ड में, तब हमने उसका इमरजेंसी में ही उसका जो है सिजेरियन डिसाइड किया, क्योंकि बेबी बिल्कुल स्टक था। जब हम लोगों ने उसे ओपन किया तो वो कंजॉइंट ट्विंस जो थे, IUD बेबी जो है वो दो बेबी जो है वो उनके डिलीवर हुए।